with this, and Rishudan Singh sir will continue after your lecture. Okay, thank you very much. So I would like to thank Radhishyam Singh ji, Vijay Pratap ji, Adhish ji and his whole team just to organize this international webinar. First of all, the honorable speakers, Professor Ranjana ma'am, Ripusidhan Singh ji, Deep Korala ji, who is related with Bharati Sikshan Mandal. I am also holding the post of Prant Adhyaksh Kasi of Bharati Sikshan Mandal, apart from my the teaching work and the work of work as a physician, Banaras Hindu University. थोड़ा आनंददायक भाषण बनाने के लिए हिंदी और संस्कृत में आना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी हम कोरोना की बात करते हैं, आज हम जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल्स, उसमें वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट कोरोना, द प्रोस एंड कॉन्स, द चैलेंजेस, द अपॉर्चुनिटीज, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड व्हाट नॉट. हमने जब कभी भी विज्ञान की बात किया तो विज्ञान हमारे जो वेद हैं, वेद का अर्थ है विद ज्ञाने, विद लाभे, विद उपाय, विद सत्तायाम. वेद का तात्पर्य ही विज्ञान है. एंड द साइंस वर्ड हैज बीन क्वाइंड, हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वैदिक लिटरेचर एंड स्पेशली द लिटरेचर रिलेटेड विद द हेल्थ एंड द सोशल इश्यूज. The Charak Samhita, the oldest textbook of medicine, and whatever time period is written, that is 3000 years back. So the written history is 3000 years back. And in the very first chapter, he has written, Prashamyatya Sadhai Purvo Dayo Yukti Vyapasrai Manaso Gyan Vigyanam. Manaso Gyan Vigyanam. It means the Vigyan or the science word has been used for the first time in the Vedic literature, in Ayurveda, in Charak Samhita, that is indigenous system to India. We have to recognize, we have to remember that. आज हम जिस विज्ञान वैज्ञानिक दिशा में बढ़ रहे हैं, जब कभी भी विज्ञान की बात आती है तो व्हाट एवर द कंटेम्पोररी साइंटिस्ट, जो आज के कंटेम्पोररी साइंटिस्ट हैं या आज के जो बच्चे हैं, वो अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को बोलते हैं कि नहीं, वो धोती कुर्ता पहनते थे, वो मोटा खाना खाते थे, वो गाय का दूध पीते थे, वो अवैज्ञानिक थे, हम बहुत वैज्ञानिक हैं. निश्चित रूप से दुनिया जिस तरह बढ़ी है वो एक वैज्ञानिक दिशा है, लेकिन क्या विज्ञान हमेशा भरोसेमंद होता है? क्या विज्ञान हमेशा मानव जाति के लिए लाभप्रद होता है? नहीं. विज्ञान हम किसको कहते हैं? जो कुछ भी हमारे टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस हैं या प्रेडिक्शंस हैं यूनिवर्स के बारे में, वही विज्ञान है. अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें कि हम कोई प्रॉपर लॉजिक और एक्सप्लेनेशंस जो भी शरीर के बारे में या इस एनवायरमेंट के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में देते हैं, वही विज्ञान है. और ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? जो हमारे गुरु के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, जो कुछ भी हमें बताया जाता है वो ज्ञान है, और जो अनुभवजन्य ज्ञान है, the knowledge based on the experience, that is विज्ञान. विज्ञान की ये परिभाषा हमने पढ़ा है और इसी परिभाषा को हम जानते हैं और इसी को बताते भी हैं. जब कभी भी वैज्ञानिकता की बात की जाती है तो जो भारतीय परंपरा है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र है, भारतीय अर्थशास्त्र है, भारतीय परंपरा है, निश्चित रूप से उसको दुनिया ही नहीं, हम बहुत सारे भारतीय लोग भी उसको बहुत किनारे छोड़ देते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे पास सब कुछ होते ही आज पूरे विश्व में ये हो रहा है कि भारत ही कोरोना की दवा दे सकता है, भारत ही वैक्सीन बना सकता है, भारत ही हमारे व्याधि क्षमता को, जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम को, उसके लिए भारत ही कुछ मंत्र दे सकता है. अगर हम शरीर और ब्रह्मांड की बात करें तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मींस व्हाट एवर इंस्टिंक्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, ऑल आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी.
and it is reciprocal. The what are present in the human body, all representatives are present in this universe. जैसे अगर हम बात पित्त कफ की बात करें तो शरीर में the humors, these are the three humors, the vata, the pitta and the kapha. And the representative of three humors are present in this universe in the form of wind, जो blowing wind है, जो बहने वाली हवा है, जो हमें ऑक्सीजन देती है और विभिन्न तरह की गैसेस होती हैं उसमें, वो वायु है. हमारे पित्त का रिप्रेजेंटेटिव इस ब्रह्मांड में हमारा सूर्य है, ये निश्चित रूप से कि जिसके बिन हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं. और तीसरा जो शरीर में कफ धातु है, कफ ह्यूमर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव सोम या चंद्रमा है, मून है, जो हमें शीतलता देता है. और उसी सिद्धांत पर जिसको कहते हैं थियरी ऑफ लोक पुरुष साम्य, थियरी ऑफ दिस इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट, यत लोके तत् पिंडे, जो कुछ लोक में है उस पिंड में है, इस ज्ञान की तरफ भी हमने शायद ही कभी झांक के देखा होगा. अब बात आती है इम्यून सिस्टम के ऊपर. तो इम्यून सिस्टम के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि शरीरे वा स्वाभाविकी व्याधि क्षमता ताम व्याधि क्षमताम यद वर्धयन्ति तद रसायनम, उनको हम रसायन चिकित्सा कहते हैं, रिजुविनेटिव्स. तो हर एक सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्किन के लिए, हर तरह के रेजुविनेटिव ड्रग्स या इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स, जिनको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वो औषधियों का प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे करेंगे, हमारा देश करेगा और कर भी रहा है. लेकिन विडंबना ये रही कि इतिहास अपने को दोहराता है. ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का जो सिद्धांत हमने पढ़ा कि जो कुछ भी हमारे पास था, हमारे पास है, वो तो हमने ये सोचा कि ये हमारा है, इसको कभी हमने पलट के नहीं देखा. लेकिन जो कुछ भी पश्चिम की दिशा से आया उसके ऊपर ज्यादा हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उधर ज्यादा आकर्षित हुई. और विडंबना स्वरूप, जिसके फलस्वरूप जिसका जो साइड इफेक्ट आया, वो साइड इफेक्ट आज एक वायरल डिजीज के रूप में आया. अगर हम आज से 50 वर्ष पहले की बात करें तो ये कहा जाता था कि इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स का एरा है, कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉलरा है, ब्रांकाइटिस है, बहुत सारे ऐसी डिजीजेस थी जिनके लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां नहीं थी. तो वो एरा गया. उसके बाद फिर आया आज के 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले की बात अगर हम याद करें तो एरा आया लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का, क्योंकि हम लोगों ने गांव से शहर की तरफ पलायन किया, हम लोगों ने दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन छोड़ा, कुछ हमारी मजबूरियां भी रही हमको हमारे जॉब में, हमारी सर्विसेज में, हमारे बिजनेस में, जिसकी वजह से हमारा अर्बनाइजेशन हुआ जो कि एक मजबूरी बन गई. और चूंकि आर्थिक युग जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसी के साथ हम लोग मैकेनाइज्ड हो गए बहुत सारा, और मशीनीकरण का युग आया और मशीनों पे हम बहुत कुछ डिपेंडेंट हो गए. आज जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग बाहर से, प्रवासी बहुत सारे लोग जो कि पैदल चल के 1500 किलोमीटर भी आ रहे हैं, तो उसकी परिकल्पना शायद आप कर सकते हैं कि आज के ज्यादा नहीं 50 वर्ष पहले हम लोग पैदल चलते थे या साइकिल से ही चलते थे. और ऐसी यात्राएं जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो लोग 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी बहुत कॉमनली उसको पैदल चल के जाते थे. लेकिन आज अगर हमको 1 किलोमीटर या 100 मीटर भी पैदल चलने के लिए कहा जाए तो हम मशीन का सहारा लेते हैं, हम कार का सहारा लेते हैं, हम साइकिल का सहारा भी नहीं लेते, पैदल भी नहीं चलते. अगर आप ऋतुओं की बात करें तो अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो आमतौर पर यही व्यक्ति कहता है कि भाई ठंडी होती है, जाड़े का महीना होता है, गर्मी होती है, बरसात होता है. लेकिन हमारे जो शास्त्र में है 6 ऋतुएं दी गई हैं. If we start the seasons counting from January, अगर जनवरी से दिसंबर तक आप जो भी 12 महीने हैं अगर उसकी गणना करना स्टार्ट करें, तो दो दो महीने के एक पेयर अगर बनाते हैं तो हमारे 6 ऋतुओं को पेयर बनते हैं. और उनको हम शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ये स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. और एक एक ऋतु में
हमारे जो ह्यूमर्स बॉडी में है कि किस समय हमारी वात के विकार अधिक होंगे शरीर में, किस समय पित्त के विकार अधिक होंगे और किस समय कफ के विकार अधिक होंगे, उनके उनके ट्रीटमेंट का या उनके मैनेजमेंट का भी समय दिया हुआ है। कि जैसे अगर वसंत ऋतु आई है तो उस समय हमको कफ दोष, स्पेसिफाइड दोष जो है वो कफ होता है। अगर वर्षा ऋतु है, आप देखिए जैसे वर्षा ऋतु आते ही लोगों को गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में दर्द होना, इस तरह की बहुत सारी स्किन एलर्जी, बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही शरद ऋतु आती है तो उस समय हम पित्त दोष को पैसिफाई करते हैं। तो अगर दिन को हम 24 घंटे में बांटें तो उसके लिए यह है कि वयो अहोरात्रि भोक्ता नाम थे अंत मध्याधिकाक्रमात, कि वात पित्त और कफ, जब कभी भी आप रात में 10 बजे के आसपास अगर 8-8 घंटे का पीरियड अगर बांटते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक, तो जो सुबह का काल जो है वो कफ का काल होता है। क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हैं उस समय चिकित्सक लोग सब बताते हैं कि सो के उठने पर गुनगुना पानी लीजिए, और वो गुनगुना पानी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। वो गुनगुना पानी कैसा होना चाहिए, वो अगर तांबे के पात्र में लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने अपनी जो हमारी जो व्यवस्था थी, हमारी जो परंपरा थी, उस परंपरा को हमने कभी देखा नहीं। क्योंकि हम अपने पूर्वज की बात, अपने पिताजी, अपने दादाजी की बात मानेंगे तो फिर एडवांसमेंट कैसे होगा, क्योंकि हम तो ये मान बैठे कि हमारे पूर्वज जो है वो बैकवर्ड थे। लेकिन अगर हम आज अभाव की बात करें तो अभी एक चर्चा चल रही थी कि हमारे जो दादा थे, अगर 3 पीढ़ी पहले की ही बात करें तो निश्चित रूप से आज हमारे पास पैसा है, व्यक्तियों के पास, लोगों के पास अच्छे जॉब हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन आज उन सारी चीजों का, न्यूट्रिशनल चीजों का अभाव हमारे पास है जिसकी कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे पिताजी जिसका यूज करते थे, जिनको ये भरपूर मात्रा में मिलती थी। उसके लिए अगर हम उदाहरण कोट करें, अगर हम गाय की बात करें, दूध की बात करें, A1 A2 मिल्क, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे आधे घंटे में, तो जब कभी दूध की बात आई तो हमारे गांव में देसी गाय इंडिजीनस काऊ, लेकिन लगभग 50 से 60 वर्ष पहले एक ट्रांसजेनिक एनिमल आया जिसको हम की होलस्टीन फ्रीजियन के नाम से बोलने लगे। और उस समय निश्चित रूप से हमें यह पता नहीं था, हम खाली पश्चिमवादी परंपरा को देखते हुए हम लोगों के यहाँ बायफ के जो होलस्टीन फ्रीजियन के सीमन उपलब्ध हुए और हमारी जितनी देसी नस्लें थी, हालांकि शास्त्र में, उपनिषदों में, वेदों में तो 300 से ज्यादा स्पेसीज का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इस समय 43 स्पेसीज हैं जो कि भारत सरकार में कामधेनु आयोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है तो उसमें रजिस्टर्ड है। जिसमें कि जैसे हम बनारस में हैं तो बनारस की अलग वेराइटी है, और गिर वेराइटी गुजरात की है, साहिवाल है, इस तरह से बहुत सारी नस्लें हैं। लेकिन उन नस्लों में जब हमने ट्रांसजेनिक एनिमल का सीमन, उसको हम गाय नहीं कहेंगे, इसीलिए हम जर्सी गाय नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो गाय है ही नहीं, तो A1 और A2 मिल्क की परिकल्पना हुई। तो हमारा A2 मिल्क और वो A1 मिल्क, और A1 A2 मिल्क में इतना बड़ा अंतर आया कि जो A1 मिल्क है, जो जर्सी ट्रांसजेनिक एनिमल का जो दूध है, उस दूध में के जो अमीनो एसिड की चेन है उसमें हिस्टिडीन नाम का प्रोटीन है और बीटा कैसोमार्फीन नामक, मार्फीन का नाम सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मार्फीन का मतलब शायद कोई नारकोटिक से संबंधित कोई चीज होगी, और इस तरह की चीजें उस जर्सी ट्रांसजेनिक एनिमल के दूध में पाया जाता है। और उसको पी करके पिछले लगभग 50 वर्षों से हम लोगों ने अपना दिल दिमाग खो दिया, और विभिन्न बीमारियां जो हिस्टिडीन, जो अमीनो एसिड है, उसकी वजह से हमारे डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी, किडनी, लीवर, बहुत सारी बीमारियां, इनके ऊपर बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश्ड हैं। लेकिन जो हमारा देसी गाय था, देसी गाय तो बहुत मुश्किल से बची, आश्रमों में बची, कुछ गांवों में बची, बहुत कम बची। आज उसका संरक्षण हम लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कामधेनु आयोग बनाया है उसके माध्यम से, और नागपुर के पास दौलापार जगह है जहां पे गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र है, हमारे माननीय सुनील मानसिंघा जी जो कि इस देसी गाय के ऊपर पूरा कार्य कर भी रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग भी मिलकर के बहुत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देसी गाय का दूध अगर आप जाने अनजाने में किसी से पूछिए या देखिए तो पीले रंग का होता है, उसकी जो मलाई होती है वो पीले कलर की होती है, येलोइश,
उसका क्या कारण होता है कि उसमें बिकॉज इट कंटेन्स गोल्ड सोना और चांदी सिल्वर इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में उसमें गोल्ड और सिल्वर होता है, जिसकी वजह से हम आज के 50 वर्ष के पहले जो लोग पैदा हैं और 50 वर्ष के बाद में जो लोग पैदा हुए, आप उनके इम्यून सिस्टम को देख लीजिए, आप उनकी शारीरिक स्वास्थ्य को देख लीजिए, उनके मेंटल स्टेटस को देख लीजिए, निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। और हमें अपने देसी गाय का दूध जो कि स्वर्ण और चांदी भस्म के साथ युक्त है, जो कि प्रकृति ने दिया है, उसको अपनाना है। हर घर देसी गाय, हर खूंटे देसी गाय, तभी जाके हम बहुत सारी बीमारियों, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, इम्यूनोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो वायरल डिसऑर्डर्स हैं, इनसे तभी बच पाएंगे। दूसरा मुद्दा है हमारा हाइब्रिड सीड्स एंड हाइब्रिड वेजिटेबल्स। जैसे ही हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज कम किया, और निश्चित रूप से उसके पीछे मजबूरी भी थी, मजबूरी ये थी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई देश की, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नीति या नीतियां तो जरूर बनी, पहले की सरकारें बनाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। ये जानते हुए कि पॉपुलेशन ब्लास्ट जो है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, और जिसके वजह से निश्चित रूप से हमारी यील्ड बढ़ाने के लिए, हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए गेहूं की पैदावार हाइब्रिड वैरायटी आई, आलू की आई, बहुत सारी चीजों की आई। तो जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी आई, निश्चित रूप से उनमें एलर्जेंस भी आए, एलर्जी वाले तत्व भी आए, और आज एलर्जिक डिसऑर्डर्स का ये हाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि घर घर में एलर्जी है, और लोगों को, डॉक्टर लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं कोई एलिग्रा खाओ, कोई सिट्रीजिन खाओ, हम लोग हैं तो कहते हैं कि नहीं हल्दी खाओ, हरिद्रा खंड खाओ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि एलर्जी आई कहाँ से। तो एलर्जी आई हमारा जो फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनके यूज की वजह से हमारे शरीर में एलर्जी आई। हम अगर एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में निश्चित रूप से पहले कोदो सावा, जिनको हम मिलेट्स कहते हैं, छोटे वाले बाजरा, कोदो सावा, इस तरह के जो धान हम पैदा करते थे, उनमें क्या था, उनमें किसी तरह का एलर्जन नहीं था, उनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के द्वारा वो पैदा हो जाते थे, और उसमें जो मैक्सिमम कंटेंट था दैट वाज फाइबर, उसमें था, फाइबर है और था भी, और बहुत अधिक मात्रा में उसमें कैल्शियम, उसमें आयरन, बहुत सारे मिनरल्स जो कि जिनके लिए कि हम मेडिसिन्स का यूज करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, बहुत सारे तरह के विटामिन्स खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, वो चीजें हमको जब हम अभावग्रस्त थे बचपन में, उस समय वो चीजें हमें मजबूरी में मिलती थी खाने के लिए, इसलिए कि वही चीजें पैदा होती थी, जौ पैदा होता था, गुजई खाया जाता था, जौ गेहूं और चने का मिक्सचर जो है वही आटा खाया जाता था। आज आप पूछिए कि कितने ऐसे पढ़े लिखे एकेडमिशियंस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कि गुजई का आटा खाते हैं, क्योंकि गुजई का आटा अगर खाएंगे तो निश्चित रूप से उनको पड़ोसी बैकवर्ड कहेगा, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ प्रोफेसर है या पिछड़ा हुआ डॉक्टर है जो कि गुजई का आटा यूज करता है, गेहूं नहीं खाता। और उसमें भी किस तरह से बिजनेस किस तरह से फ्लरिश किया, उसमें भी क्या हुआ कि फाइबरलेस आ गया। फाइबर जो कि ये जानते हुए शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, फाइबरलेस आ गया कि भाई फिर क्या, मैदा आ गया, मैदे का प्रयोग हमने शुरू किया। और इतना ही नहीं, हम सरसों का तेल, गांव की एक अपनी परंपरा हुआ करती थी जिसमें गांव में जो तेली होते थे वो तेल देते थे, नाई बाल काटता था। और मुझे याद है कि मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, और वहां बचपन में हफ्ते में 2 लीटर 1 लीटर ऐसा तेल जितना होता था वो दे जाता था। लेकिन नहीं, हमने क्या हुआ कि जब से हम पैक्ड फूड्स के ऊपर निर्भर हुए, दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये पैक्ड फूड्स में, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे बर्गर हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो दूध हो, दूध की बात हमने किया कि दूध में भी हमारा जितना डिमांड है, हमारा प्रोडक्शन उसका 1/5 है। आप समझिए इस बात को कि 1/5 20% प्रोडक्शन है, इंक्लूडिंग A1A2 तो दूर रही बात, 64,000 करोड़ लीटर दूध की खपत है और 14,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन है। यही स्थिति हमारी वेजिटेबल्स में भी आई, यही स्थिति हमारी ग्रेन्स में भी आई, क्योंकि हमारे कोदो सावा और जो जौ है इसका प्रयोग भी धीरे धीरे कम होता गया। लोग महीन खाना खाने लगे कि बासमती चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, फाइबर लेस खाएंगे। तीसरा मुद्दा है चीनी का प्रयोग, शुगर।
शुगर को लोग तभी बंद करते हैं यूजुअली हमारे समाज में जब हमको शुगर हो जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि शुगर होने के लिए शुगर बंद करने का इंतजार मत करिए, शुगर बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब लोग बंद करिए, क्योंकि शुगर चीनी की सबसे बड़ी समस्या है, वो एलर्जी पैदा करता है, एलर्जन है, बहुत बड़ा एलर्जन। और डायबिटीज भी धीरे 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 करके हमारे आर्गन्स की, वो भी एक तरह की एलर्जी ही है। कभी कभी इंसुलिन का सेक्रीशन कम होता है और कभी कभी इंसुलिन का सेक्रीशन नॉर्मल भी होता है, लेकिन इंसुलिन के एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाते हैं तो इंसुलिन शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाती। उसके लिए निश्चित रूप से अगर गुड़ मिलता है, देसी गुड़ में अगर सबसे बड़ी बात ये कहें कि देसी गुड़, आज जो हम लोग कोरोना और गले वाली बीमारियों की बात करते हैं, पहले ये हुआ करता था गांव में कि खाना खाने के बाद देसी गुड़ दिया जाता था खाने के लिए। देसी गुड़ की वजह से गले में किसी तरह का कफ, किसी तरह का इन्फेक्शन जो होता था वो निश्चित रूप से या तो बाहर हो जाता था और या तो शरीर के अंदर पेट में चला जाता था। और जब तेल की बात करते हैं तो रिफाइंड ऑयल ने हमारे पूरे भारत को ही नहीं, पूरे दुनिया को इस तरह से बर्बाद किया है कि जिसका कुछ हद नहीं। रिफाइंड तेल जितना रिफाइंड होता जाता है उतना ही डेंजरस होता जाता है। और अगर तेल की बात करें तो तेल के लिए कहा गया है शास्त्रों में, वेदों में, कि तिलेषु तैलम, कि तेलों में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। और आज मैं आपके माध्यम से ये फिर बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जितनी भी रिसर्चेज हो गई तेलों के ऊपर भी, आज तिल का तेल ही, चाहे वो एक्सटर्नल यूज के लिए हो चाहे वो इंटरनल यूज के लिए हो, क्योंकि तिल के तेल में सैचुरेशन बहुत कम है, ओमेगा 3 है। उसके बाद तीसी का तेल है, अलसी का तेल, जिसको हम फ्लैक्सीड, बहुत मजे से फ्लैक्सीड बोलते हैं। तो फ्लैक्सीड अगर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में कहा जाए हजारों रुपया किलो मिलता है फ्लैक्सीड बहुत, लेकिन हम अपने घरों में पैदा करते हैं और निश्चित रूप से भारत में फ्लैक्सीड की कीमत 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। सरसों का तेल, तीसरा सरसों का तेल, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो सरसों का तेल नहीं जो सरसों का तेल पैक्ड आता है उसके ऊपर बिल्कुल, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पैक्ड चीजों को आप छोड़िए और उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। सरसों खरीदिए, तेल को पिरवाइए और घर ले आइए, इस उसको हम सरसों का तेल कहते हैं, ना कि पैक्ड वाले सरसों के तेल। चौथा पॉइंट हम लेंगे, जो हमारा हमारे खान पान में जो ठंडी चीजों का, फ्रिज का प्रचलन जो हमारे संस्कार या संस्कृति में जो आया, तो निश्चित रूप से फ्रिज का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि खाने को अगर आज एक समय बनाया जाए तो उसको रख दिया जाए तो 2-3 दिन काम आए, क्योंकि उसका कारण ये रहा कि बहुत कम ऐसे पढ़े लिखे घर शहरों के होंगे जहां पे कि दोनों समय खाना बनता होगा, एक समय खाना बने और उसको रख दिया जाए और दूसरे समय। तो इस तरह से घरों में भी अकर्मण्यता आई और हम लोगों ने ताजा खाना खाने की जो एक परंपरा थी उस परंपरा को भी नहीं माना, जो कि कहा गया है कि खाना जो भी है बन जाए अगर तो उसको 2 घंटे के अंदर में खाने को खा लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन हम उसको 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, इवन 72 घंटे 2-3 दिन तक रख करके उसको गर्म करके खाते हैं, तो उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं। अगर हम अपने शरीर को देखें तो शरीर में 2 ऐसी चीजें हैं जो कि हर बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं, वो है टेम्परेचर। आज देखिए जब कभी भी कोई एक देश से दूसरे देश में आ रहा है तो हवाई अड्डों पर और रेलवे स्टेशन पे क्या है, वो थर्मामीटर लेकर के, सेंसर लेकर के खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं भाई इनका टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर एबनॉर्मल है, थोड़ा भी बढ़ा हुआ है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, फिर उनकी जांच हो रही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आइसोलेशन में चले जा रहे हैं। उनमें भी अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है तो वो L3 सेंटर, जैसे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वो L3 सेंटर है, तो यहाँ पे हमारा ICU की व्यवस्था है, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है उनको L3 सेंटर में रखा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो जब आयुर्वेद शास्त्र की रचना हुई तो उस समय उनके ऑब्जेक्टिव्स जो बताए गए, उसके 2 ऑब्जेक्टिव बताए गए। पहला ये बताया गया स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि हाउ टू बिकम हेल्दी, हम अपने देश की, अपने जनता की, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सके, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि अगर आतुर या बीमार हो गया तो उसका प्रशमन कैसे करें, तो उसके प्रशमन की 2 विधियां, एक
संशोधन। संशोधन विधि वो विधि है जो कि जिसको हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म इसलिए कहा जाता है कि इट इंक्लूड्स 5 प्रोसीजर्स, उसमें वमन, विरेचन, बस्ति और शिरोविरेचन, उसमें 5 मेजर प्रोसीजर्स होते हैं जिनके द्वारा हम शरीर के अंदर की जो जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नाक या गले के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको नस के द्वारा बाहर निकालते हैं, हमारे आमाशय के अंदर अपर एब्डोमेन में जो टॉक्सिन्स है उनको हम वमन के द्वारा बाहर निकालते हैं, और आंतों में हमारे जो टॉक्सिन्स है उनको हम विरेचन के माध्यम से बाहर निकालते हैं, और हमारा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसके लिए हम बस्ती, जो हमारा मलद्वार है, वहां से मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड डिकॉक्शंस को दिया जाता है, तो जिसके द्वारा हम अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। तो आयुर्वेद विज्ञान ही ऐसा विज्ञान है जिसने प्योरिफिकेशन की बात कही। मन की शुद्धता के लिए तो आप जो भी है योग प्राणायाम इसको कर लेते हैं, लेकिन तन की शुद्धता के लिए, तन को प्योरिफाई करने के लिए, या शरीर के अंदर जिनको हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं या फ्री रेडिकल्स की बात कहते हैं, फ्री रेडिकल्स वो चीजें हैं, वो केमिकल्स हैं जो कि हर सांस के साथ, हम जब सांस लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, हर सांस के साथ फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। ये हमारे आपकी बॉडी और उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड एज द टाइम, वेरी टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में आता है ठीक उसी समय हमारी प्रकृति डिसाइड हो जाती है। कि उसके लिए कहा गया कि शुक्र सोणित जीव, जीव का मतलब आत्मा, शुक्र सोणित जीव संजोगे यो दोषा भवेत उत्कटा प्रकृति जायते तेन, कि व्यक्ति, बच्चा जिस समय माँ के गर्भ में आता है उस समय स्पर्मेटोजोआ, ओबम और आत्मा, ठीक उसी समय आत्मा प्रवेश करती है शरीर में। तो उस समय, क्योंकि सपोज एक अगर पेरेंट्स हैं तो उनके अगर 4 बच्चे हैं, चारों की प्रकृति अलग है, चारों की साइज अलग है, चारों के चेहरे अलग हैं, चारों का स्वभाव अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उस समय, जिस समय बच्चा मां के गर्भ में आया उस समय देश काल ऋतु इसकी क्या पोजीशन थी। ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्याच्याद गर्भ दुविध पूर्व का ऋतु क्षेत्राम बीजानाम, देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर गोइंग टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या है कि ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्यात चाद गर्भ ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज, जब कभी भी हम खेत में बीज डालते हैं तो उस समय चार कौन सी ऋतु चल रही, क्योंकि गेहूं की बुआई गर्मी के महीने में नहीं हो सकती है, धान की बुआई जाड़े के महीने में नहीं हो सकती है, तो हर चीज के लिए ऋतुएं हैं। ठीक उसी तरह से मानव के शरीर में भी जो ऋतुएं हैं या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो साइकिल चलती है वो ऋतु है। और क्षेत्र का मतलब है हमारी खेती, हमारा खेत कैसा तैयार है, हमारी मिट्टी कैसी है, हम उसमें गोबर है कि नहीं है, उसकी ह्यूमिडिटी है कि नहीं। अंबु, अंबु का मतलब ह्यूमिडिटी, शरीर के अंदर भी ह्यूमिडिटी, 70% वाटर है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक उसी तरह से हमारे सॉयल में भी ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत आवश्यक है। और चौथा है बीज, बीज का मतलब जो सीड हम गेहूं धान का सीड जो डालते हैं उसमें, और मानव शरीर में अगर देखा जाए तो वो सीड है ओवम और स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरह से जो हमारी शरीर के अंदर है वो हमारे ब्रह्मांड में है और वही हमारी प्रकृति को डिसाइड करता है। अगर हम रसों की बात करें तो 6 प्रकार के रस होते हैं। रस का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसमें मधुर रस है, मीठा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मीठे का मतलब सुगर नहीं, क्योंकि जिस समय मधुमेह या डायबिटीज और प्रमेह की चर्चा 3000 साल पहले हमारे आचार्य चरक ने किया, उस समय उन्होंने कहा कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकानु परसा पयांसी नवान्न पानम गुड़ बैकृतम चा। ध्यान दीजिएगा, गुड़ बैकृतम चा, गुड़ को उन्होंने नहीं कहा कि गुड़ से मधुमेह होगा, लेकिन गुड़ बैकृतम चा, गुड़ की विकृति से, गुड़ के जो विकार हैं, गुड़ से जो बनने वाली, तो गुड़ से हम लोगों ने क्या बनाया, गुड़ से बहुत अच्छी चीज बनाया तो सुगर बना दिया, और उससे भी क्या बनाया कि जो जो कृत्रिम दूध है उसको मिला दिया तो मिठाई बना दिया। तो हम कहाँ सस्टेन करेंगे, हमारी बॉडी कहाँ सस्टेन करेगी, हम चीनी खा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल मिल्क खा रहे हैं, हम बनावटी दूध खा रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ सस्टेन करेगा। दूसरा है अम्ल रस। अम्ल रस का मतलब है कि जो खट्टी चीजें हमारी हैं, निश्चित रूप से खट्टी चीजें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आज जो कोरोना की बात होती है तो हम लोग जब हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट को बताते हैं तो उसमें ये होता है कि गर्म पानी, गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच हल्दी, हल्दी का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च और नींबू,
ये मिला करके अगर दिन में हम 2 से 3 बार लेंगे तो निश्चित रूप से हमको हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा, हमको जो विटामिन सी हम खरीद के खाते हैं वो विटामिन सी की आवश्यकता आपको नेचुरल मिल जाएगी, और हमारा जो टेम्परेचर है, जो गले का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, जिसके वजह से किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे गले में रुकेगा नहीं। ये कहा जाता है कि कोरोना 2 से 3 दिन 4 दिन गले में रहता है, तो गले में आप कोरोना को रुकने की अनुमति ही मत दीजिए, वो अनुमति इसी तरह से नहीं देंगे। वो गुनगुने पानी से वो हल्दी मिला करके, उस नींबू मिला करके, और लेकिन हल्दी का जब भी प्रयोग करते हैं तो हल्दी का प्रयोग के साथ काली मिर्च का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि हल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत कम होती है, जब उसमें काली मिर्च थोड़ी सी मिलाते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जिसको कहते हैं, जो भी हम लेते हैं वो शरीर में अवेलेबल हो जाती है, ब्लड में, हमारे रक्त में, हमारे ऑर्गन्स में। तो दूसरा अम्ल रस, तीसरा रस है लवण रस। लवण रस का मतलब है साल्ट। तो 5 प्रकार के लवण बताए गए हैं। साल्ट के बारे में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारे जो पानी वाले नमक हैं, जो समुद्री नमक है, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, और जो रेह वाला नमक है जिसको हम लाहौरी नमक कहते हैं, या सैंधव लवण या सेंधा नमक, जो कि लाहौर तो अब हमारे देश में था, 73 भारत में, अब तो पाकिस्तान में है, तो रेह वाला नमक इसका प्रयोग करने से, क्योंकि इसमें जो सैंधव लवण है इसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, और सोडियम कंटेंट कम होने की वजह से हमारे जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं और हमारे किडनी को थोड़ा राहत मिल जाती है, जिससे कि हमारी आयु बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक काम करता है। चौथा रस है कटु रस। कटु रस का मतलब हमारी हमारी जो चिली है, मिर्च, जो हरी मिर्च या लाल मिर्च हम जो खाते हैं, और जो गोल मिर्च, काली मिर्च, इसकी चर्चा अभी हमने किया कि हल्दी में मिला के खाना चाहिए, तो ये जो है कटु रस है। और कटु रस का भी सेवन करने से हमारे, ये क्या है, कटु रस वाली जो भी चीजें थर्मोजेनिक है, थर्मोजेनिक कि शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं, जिसके वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ता है, हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है जब वो नियंत्रित रहती है तो हमारा वेट नहीं बढ़ता, हमारा फैट कम रहता है, शरीर में चर्बी कम होती है, तो इस तरह से हमारा जो कटु रस वाले हैं चीजें हैं वो इस तरह काम करती है। पांचवा रस है तिक्त रस। तिक्त रस जो है वो बिटर प्रिंसिपल्स, जिनको हम कड़ुआ तो नहीं, इनको तिक्त रस, तीता जिनको बोलते हैं, वो उसमें करेला है, नीम है, गिलोय है, जो कि आज हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, गिलोय प्रकृति ने, गिलोय भारत देश में, और देशों को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे भारत वर्ष में गिलोय को जंगली पौधे के रूप में दिया है, तने के रूप में दिया है, और ये अगर व्यक्ति चाहे तो हर व्यक्ति को गिलोय उपलब्ध हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब गिलोय घनबट्टी खरीद के खाएं, तो मजबूर मत बनिए, क्योंकि गिलोय घनबट्टी तो मजबूर के लिए है, अगर कोई मजबूर है तो वो खाए, लेकिन गिलोय चूंकि प्रकृति ने हमको दिया है, इसलिए एक बीता गिलोय नाप करके कानी उंगली के बराबर उसकी मोटाई हो, उसको क्रश कर दीजिए, एक गिलास पानी में रात में भिगो दीजिए, और सुबह थोड़ा गुनगुना करके छान के उसको पी लीजिए। इससे अच्छा दुनिया में बहुत सारे मेडिकल साइंस में रिसर्चेज हुए, लेकिन गिलोय से अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर दुनिया में आज भी कोई ड्रग नहीं है, क्योंकि ये ड्रग ऐसी है, इसके मॉडर्न के लोग भी काम किए, वैज्ञानिक लोग काम किए, आयुर्वेद के लोग काम किए, और इस रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि HIV एड्स के मरीज, वायरल डिसऑर्डर्स के मरीज, जिन ऐसे पेशेंट जिनमें MDR है, जिनमें ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन, लेप्रोसी की दवाएं चल रही है, उनमें इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे गिलोय जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और हमारे पास नीम है, करेला है, और इतना ही नहीं, एक फलत्रिकादि काढ़ा बताया गया है, जिसमें कि 8-9 चीजें हो जाती हैं, कि फलत्रिका अमृतावासा तरह से हमारे पास प्रकृति ने हमको ऐसी चीजें। छठवां रस जो कसाय रस है, कसाय रस का मतलब है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब कि जो कसैली लगती है, जैसे हमारी फिटकरी है, फिटकरी बहुत अच्छा रक्तरोधक है, फिटकरी हमारे गले के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कफ का समन करती है, और जामुन हमारी है, जैसे आंवला है, आंवला भी कसैला रस होता है, तो हमारी कसाय रस वाली चीजें डायबिटीज के लिए, कोलाइटिस के लिए, जिनका पेट बहुत खराब रहता है, जिनको बार बार डायरिया होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरह से दुनिया में जो समस्याएं हैं, दुनिया की आज की समस्याएं, उसमें 3 एज ओबेसिटी, बच्चों में बढ़ती हुई जो मोटापा है, बढ़ता हुआ मोटापा है, बच्चे का उम्र 10 साल होता है, उसका वजन 1 क्विंटल 80 किलो होता है आज के समय में, और ये घर घर की समस्या हो गई। पहले ये प्रॉब्लम अमेरिका और
यूरोप जैसे देशों में थी, लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से जिसपे हमने अभी थोड़ी चर्चा किया है, उनकी वजह से आज मोटापा हमारे देश में भी बच्चों का मोटापा बढ़ रहा है। दूसरी समस्या है एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या। हमारे पास अश्वगंधा जैसा एक प्लांट उपलब्ध है, अश्वगंधा बहुत ही साधारण एक प्लांट है और निश्चित रूप से उसकी औषधियां, उसका चूर्ण बाजार में उपलब्ध है और कोई कास्टली भी नहीं है। अश्वगंधा का सेवन ज्यादा नहीं, 3 ग्राम मतलब आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम अगर देसी गाय के दूध के साथ आप लेते हैं तो आपको अनिद्रा की समस्या, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, नसों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग सुबह शाम करना बहुत आवश्यक है। तीसरी समस्या हमारी दिन प्रतिदिन की, जहां जिस घर में देखिए उस घर में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने कहा कि जो सैंधव लवण है उसका प्रयोग, और शास्त्र में ये कहा गया कि एक काल भोजनम सुख आरोग्य कराणाम, इफ वी आर गोइंग टू टेक द मेजर मील वंस इन 24 आवर्स देन वी विल बिकम हैप्पी एंड हेल्दी। अगर हम 24 घंटे में मेजर मील, हमारा जो मेजर मील है वो एक बार अगर लेते हैं, सपोज अगर दोपहर में ले लेते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट ले लीजिए, दोपहर में मील लीजिए, और शाम का समय जो है वो आप दूध हल्दी के साथ में या गुनगुने पानी नींबू के साथ में अश्वगंधा ले लीजिए, इसके साथ में अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। और एक जो भारत देश के ऊपर जो हर परिवार पे एक बर्डन है घर घर में एंटी डायबिटिक ड्रग्स का और हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, वो हमारा बर्डन धीरे धीरे वो समाप्त होगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और हम उस पैसे से और कुछ काम कर सकेंगे। तो इसके साथ हमारे पास और समय है थोड़ा। हेलो हेलो यस सर, हमारे पास और थोड़ा समय है। हाँ हाँ जस्ट कंटिन्यू। अच्छा लग रहा है सर। नहीं 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 ठीक है। तो फिर हम तो इसी खान पान और आहार और बिहार पे ही कर रहे थे। अभी हमारे दीप कराला जी ने, क्योंकि दीप कराला जी हम लोग साथ ही काम करते हैं भारतीय शिक्षण मंडल में, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आहार के बाद बिहार, बिहार बिहार का मतलब है कि हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा मैं 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया तो कंपना यूनिवर्सिटी में पूछा, लोगों ने कहा कि डॉक्टर सिंह व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्म मुहूर्त। तो हमने एक श्लोक कहा, हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है वो काल है सूर्योदय से 2 नाड़ी पहले। एक नाड़ी 48 मिनट की होती है, तो 48 मिनट गुणे 2 मतलब 96 मिनट, एक घंटा सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का लगभग का जो कार्य, जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो है ब्रह्म मुहूर्त। और चाहे वो सूर्योदय 5 बजे हो सुबह और चाहे वो 6:30 बजे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त का काल उस हिसाब से टाइम पीरियड डिफर कर जाएगा सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का काल। और निश्चित रूप से सूर्योदय का जो टाइम पीरियड है, हमारे दादाजी कहा करते थे कि कुबेर के बराबर की संपत्ति किसी व्यक्ति के पास हो और अगर वो सूर्योदय के बाद उठता है तो उस संपत्ति का नष्ट होना तय है। उसका ये कारण है कि निश्चित रूप से आप जब सूर्योदय के बाद उठेंगे तो आपकी एनर्जी कम होगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपका जो दिनचर्या है वो डिलेड दिनचर्या होगी, और जैसे ही ये सारी चीजें होंगी आप अपना अर्थ को भी नष्ट करते जाएंगे। आपकी अर्थव्यवस्था, घर आपकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, आपके घर की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है, ब्रह्म मुहूर्त के काल में ही हमको उठना चाहिए। ये वाली ठीक ना, वो नहीं, ये नहीं, दिस वन ये है, दिस वन ये वाला। दूसरा, लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मॉर्निंग वॉक, ये निश्चित रूप से मॉर्निंग वॉक, सुबह का जो वॉक है उस समय हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत कम रहता है। जो कुछ भी आप दिल्ली का, बॉम्बे का, कलकत्ता का, चेन्नई का, बनारस का, सुल्तानपुर का, जहां का भी, हर जगह का एक पोल्यूशन लेवल है, जो भी पोल्यूशन लेवल है उससे निश्चित रूप से जो सुबह का समय है वो मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, बिल्कुल कम से कम होता है। तो उस समय दूसरा क्या है, आज जो कोरोना है, जो वायरस है, वो वायरस का जो संक्रमण है वो 2 प्रकार से हो रहा है। एक तो ये है कि खांसी या छींक के माध्यम से,
जिसको कि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, कि अगर कोई संक्रमित है वो अगर 3 मीटर की लगभग दूरी, तो वो, और दूसरा है फोमाइट्स। फोमाइट्स वो होते हैं कि अगर कोई कोई पेशेंट अगर है किसी वायरल डिसऑर्डर का, खाली कोरोना की बात हम नहीं करते हैं, फ्लू की बात है या और भी वायरल डिसऑर्डर्स का, तो उसमें 3 मीटर के बाद भी वो एयर एयरबॉर्न, जिनको हम कहते हैं फोमाइट्स, तो वो जो है सस्टेन रहते हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, और वो ड्रॉपलेट्स बहुत काफी कई घंटों तक, 6 से 8 घंटों तक वातावरण में रहते हैं। तो इस तरह से यदि हमको जो मास्क लगाने के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, हमारा प्रशासन, हमारे एकेडमिशियंस जो कह रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि मास्क लगाएंगे आप तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स और जो फोमाइट्स हैं, if they are sustained in the environment, you will be devoid of that particular infection. इसीलिए घर से बाहर निकलिए तो आप गमछा लपेट लीजिए चार परत का, या मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलिए। दूसरा है कि एक जो फिजिकल दूरी बनाए रखने के लिए, क्योंकि 3 मीटर की दूरी बनाने, अगर 3 मीटर की दूरी से कोई आदमी, सपोज चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, अगर वो छींकता है अकस्मात या खांसता भी है, एक तो मास्क लगाया है और दूसरा 3 मीटर की दूरी मेंटेन किया है, तो देयर आर वेरी लीस्ट चांसेस टू सफर एनी अदर इंडिविजुअल। बहुत ये हमारा जो काढ़ा है, जिसकी जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, उस काढ़े में 6 चीजें हैं। हालांकि अलग अलग तरह के आयुष स्वास्थ्य उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हमारी दालचीनी है, हमारी दालचीनी, काली मिर्च है, हमारी अदरक है आदि, जिसको जिंजर बोलते हैं, तुलसी पत्ता है हमारा, 4-5 तुलसी के पत्ते, हल्दी का पाउडर, तो और मुलेठी। मुलेठी क्या है, गले के लिए बहुत सूदिंग है मुलेठी हमारी, इसलिए ये 5-6 ऐसी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी गिलोय भी मिला सकते हैं एक साथ, या गिलोय का सेवन अलग से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे हमारे भारतवर्ष ने, हमारी भारत माता ने हम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दिया है, लेकिन हम लोग उसके प्रति जागरूक तब होते हैं जब ये आवाज कहीं सुदूर से आती है, कहीं सात समंदर पार से आती है कि नहीं, भारत भारत विश्वगुरु है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2015 को, ऐसा दिन था जिस दिन भारत के लिए वो पुनः बहुत दिनों के बाद विश्वगुरु बनने का दिन था, और उस दिन 172 देशों ने एक साथ योगाभ्यास किया, क्या ये विश्वगुरु का दिन नहीं था, विश्वगुरु बनने का दिन नहीं था? और आज फिर सारा देश, हमारे दुनिया के जितने देश हैं, हमारे देश की तरफ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ, हमारे संगठनों की तरफ, हमारे डॉक्टर्स की तरफ, हमारे एकेडमिशियंस की तरफ, हमारे वैज्ञानिकों की तरफ देख रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस की रेमेडी, या जो इसके पहले भी जो भी वायरसेज आए हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, जो भी वायरसेज आए हैं, उनके लिए हमारे भारत की परंपरा, हमारी आयुर्वेदिक परंपरा, हमारी जो चिकित्सकीय परंपरा थी, वो परंपरा जन्य जो हमारा ज्ञान था, जिसको कि हमने कुछ अज्ञानता बस अवैज्ञानिक करार दे दिया था, वो बहुत ही वैज्ञानिक है, जिसके लिए हमने आपके पास हमने आपको कोटेशन से भी बताए, उसकी वैज्ञानिकता का आधार भी बताया। तो समय अब ऐसा है कि हम अपने देश का जो विज्ञान है, हमारे देश का जो चिकित्सा शास्त्र है, हमारे देश की जो अर्थशास्त्र है, हमारे देश की जो नीतियां हैं, उन नीतियों पे अमल करें और अपनी परंपरा पे विश्वास करें, तभी जा करके हम खुद बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि अब आने वाला जो एरा है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आज इस बैनर के माध्यम से कि अब इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एरा होगा, जिसकी इम्यूनिटी ठीक होगी, जिस बच्चे की इम्यूनिटी ठीक होगी वो बचेगा, जिस जवान की इम्यूनिटी ठीक होगी वो सस्टेन करेगा, और जिस बूढ़े की इम्यूनिटी, वृद्ध की इम्यूनिटी ठीक होगी वो लंबा जीवन जिएगा। तो सतम बरसाण जीवति जीवेत सरदा सतम, ये हमारा सिद्धांत था, वो सिद्धांत बिना आयुर्वेद के माध्यम से, बिना हमारा पारंपरिक ज्ञान के नहीं हो सकता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 40-45 मिनट हो गया है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी चीजें थी जो कि डिस्कस करनी थी, वो हमने आपके सामने कहा, और आगे भी कभी अगर आप मौका देंगे तो डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।